गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं तुलसीराम शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद तुलसी पर आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम एमएस एक्सेल के अंदर हम टाइप करना है अलाइनमेंट, लेफ्ट टेस्ट और मार्जिन एंड सेंट करना सीखेंगे। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज। मैं गया एमएस एक्सेल के अंदर, अब स्टार्ट करते हैं अपना अपना मर्जी को। जैसे मैंने अपना नाम लिखाया तुलसी, बीच में लिख लेता हूँ, ठीक है, तुलसी राम, ठीक है। तो मैं इस रो को बड़ी कर रहा हूँ, यहाँ से बड़ी कैसे करते हैं, जैसे यहाँ से पकड़ के इसको खींचो, आ गया निशान, पकड़ के खींचो, इतना बड़ा कर दिया यहाँ से, ठीक है। और इसको नीचे से इतनी बड़ी कर दिया, ठीक है। अब ये कौन सी साइड है अपने, ये वाली राइट साइड है, ये वाली लेफ्ट साइड है, ये सेंटर। अगर मेरे को इसको राइट साइड में करना होता है तो राइट साइड में हो गया, मेरे को इसको सेंटर में करना होता है अपन लिखे हुए डेटा को, तो बीच वाला होता है जो होती है सेंटर, कौन सी सेंटर। और लेफ्ट साइड में करना होता है तो लेफ्ट लाइन। देखो वापस दिखा रहा हूँ मैं कैसे होगा। जैसे मेरे पास ये नाम है, जैसे नाम क्या लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, विजय अमित नाम लिख दिया, अमित विजय, ठीक है। इसको बड़ा करना होता है मेरे को, यहाँ से पकड़ के मुझे ड्रैग कर लो, इतना बड़ा करना है। अब ये यहाँ पे आ रहा है, किसी बंदे ने मेरे को बोला कि सर इसको बीच में बीच आना है अपन को, तो क्या करेंगे, यहाँ से तो अपन सेंटर कर लेंगे, यहाँ से तो अपन ने इसको सेंटर कर लिया, इसको येलो, इसको मैंने सेंटर कर लिया ऐसे, लेकिन अब ये बीच में नहीं आ रहा। बीच में लाने के लिए अपने पास तीन अलाइनमेंट होते हैं, टॉप, बॉटम और मिडल। तो मुझे इसके यहाँ ऊपर देखो, इसके ऊपर आ रहा है टॉप लाइन, मिडल लाइन और बॉटम लाइन। तो मैं इसको मिडल लाइन कर दूँगा, तो मेरा बिल्कुल मध्य सेंटर में आएगा। ऐसे अमित विजय पर करूँगा सेलेक्ट किया और मिडल लाइन पर सेंटर और मिडल लाइन, यानी ये अपना बीचम बीच आ गया। अगर मेरे को नंबर टाइप करना है यहाँ पे, देखो टेस्ट का तो भाई डिफॉल्ट होता है राइट अलाइनमेंट, और नंबर का क्या होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसे मैं नंबर टाइप किया 55, तो कौन सा अलाइनमेंट जा रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट पे। मेरे को उसको सेंटर पे करना है, पहले तो उसको यहाँ सेंटर करूँगा, सेंटर करने के बाद इसको यहाँ मिडल अलाइन करूँगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करते हैं। अपने पास मार्जिन होते हैं, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, ठीक है। ये तो अपने मार्जिन में, अब मेरे को जैसे ऊपर नीचे और बॉटम में रहना होता है, ये अलाइनमेंट होता है, तीन और होते हैं, टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट, ठीक। करीब मैं सोचता हूँ कि आपके ऐसी समझ आ गई होगी। अगर इसकी साइज बढ़ानी हो तो कल की वीडियो में बताया था साइज जैसे बढ़ाते हैं, सिलेक्ट किया और इंक्रीमेंट में लगा दिया साइज, ये कल की वीडियो में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो अपने ये अलाइनमेंट का पूरा हुआ, आगे करते हैं अपना आज। जैसे मैंने अपना नाम लिखा है, अपने नाम के डिज़ाइन में शेप में देना चाहता हूँ, किसी शेप में और किसी एंगल में, जैसे कर दिया पूरा नाम आ गया। अब मैं ऐसे नहीं देखिए खड़ा करना चाहता हूँ, सिलेक्ट किया और वर्टिकल टेस्ट, पूरे टेस्ट वर्टिकल नहीं करके मैं ओरिजेंटल करना चाहता हूँ, तो येलो ओरिजेंटल फ्लोरेट हो गया, जैसे अपन करना चाहें वैसे आ जाएगा। यहाँ पर तो मतलब जिस देश पे आप घुमा चाहते हैं वहाँ से इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, ठीक। ये होती है कि अपन सब पूरे इंडेंट होता है ना, उसको एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए पूरा इंडेंट को। अब मेरे पास यहाँ जैसे ये तुलसी राम है, इसको इंडेंट लिख कर रहा हूँ, इधर किसे गया पूरा किसे गया सर, और लेफ्ट में लेना तो इधर आ गया, ठीक है। अपने हिसाब से ये एडजस्ट करने का काम करता है, क्या काम करना पड़ता है। अब यहाँ से जैसे मैं लूँगा तो बिल्कुल मिडिल में गया, अब मेरे को मिडिल में लेके थोड़ा सा राइट साइड लेना है, तो किससे लेंगे, डिक्रीज इंडेंट से, देखो जितना चाहो उतना ले सकते हो, यहाँ तक चाहिए यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, तो जितना चाहते हैं ना अपन अपने हिसाब से एडजस्ट करना, वही अपन इसे कर सकते हैं। ये ऊपर गया टॉप लाइन में, मिडिल लाइन में और बॉटम लाइन में,
ये इंक्रीमेंट और इंडेंट डिग्री, ये स्टाइल देने के लिए हो गया से। ये कैसे आप लोग इसको कैसे डिजाइन दे सकते हैं। अब अगला क्या आता है, रैप टेस्ट। तो रैप टेस्ट क्या होता है, रैप टेस्ट के अंदर वैसे ये सेल है, इस सेल में मैंने डाल दिया कंप्यूटर विद फिर करता हूँ एक लाइन होगी, लेकिन ये इसको मेरे को रो को बड़ी न करके थोड़ी इसकी विड्थ बढ़ जाए, ऐसा करना है ना। इसको सिलेक्ट करना और यहाँ से रैप टेस्ट करना है, रैप टेस्ट किया और फिर डिस्क्रिमेंट कर देना, यहाँ से रैप टेस्ट कर देना, तो ये एक खाने के अंदर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपने जहाँ भी जितने भी चीज़ ज़्यादा होंगी ना वो सब एक खाने के अंदर आ जाएगी। जैसे दिस इज ए गुड बॉय लिखा मैंने, दिस गुड बॉय। ठीक, अब ये नहीं आ रहा है खाने के अंदर, तो एक खाने के अंदर लाया, सेलेक्ट किया और वेब टेस्ट कर दिया, एक सेल के अंदर आ गया वही सेल के अंदर। ये काम क्या करेगा, वेब टेस्ट। वेब टेस्ट का मतलब होता है कि अपने पास कोई भी लाइन के अंदर ज़्यादा लंबा डेटा जा रहा है, तो उस डेटा को लाइन को तोड़ने काम करता है, तोड़कर एक सेल में एडजस्ट करने का काम करता है। इससे सेल की लेंथ न बढ़ के उसकी क्या बढ़ती है, विड्थ बढ़ती है, तो इसमें काम लेता है वेब टेस्ट के अंदर। जैसे वापस से दिखाई देता हूँ आपको, ये सेल है अपना, मैं टाइप करता हूँ यहाँ कंप्यूटर सेंटर जब। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी जो सेल है उसकी लेंथ बढ़ गया। अब मेरे को लेंथ ना बढ़ा के इसकी विड्थ बढ़ानी है ना। वैसे सेल पे क्लिक किया और कहाँ जाएंगे, लैब टेस्ट पे, लैब टेस्ट पे, जिसमें जो अपने लाइन हुई उसको टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो अपना लास्ट बचा है, क्या बचा है अपना लास्ट, लास्ट बचा है मर्जन सेंटर। तो देखो उसका काम क्या होता है, मर्जन सेंटर का, मर्जन सेंटर का काम ये होता है, जैसे मेरे पास यहाँ चार पांच सेल है। ठीक है, मेरे पास जैसे यहाँ पांच सेल है, तो मैंने पांच सेलों को सेलेक्ट किया, एक दो तीन चार, पांच सेलों को सेलेक्ट किया। अब मैं पांच सेलों को एक साथ जोड़ना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा मर्ज सेंटर, तो पांचों सेल एक साथ जुड़ चुकी है। ऐसे मैं टाइप करता हूँ सेलेक्ट किया, यहाँ से कलर क्लिक किया, कल की वीडियो में बताया था कैसे करते हैं वो चीज, इंक्रीमेंट करके साइज में अट्रैक्टिव बना दिया। कल की वीडियो में दोबारा रिपीट करता हूँ, तो यहाँ से टेबल बनानी है मेरे को, सेलेक्ट किया और टेबल पे गई और ऑल बोर्ड पे क्लिक कर दिया। अब बताता हुआ चल रहा, क्योंकि अपन आगे चल के मार्कशीट बनाएंगे। ठीक है, मदर सेंटर, जैसे हमने डाल दिया नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और डिटेल्स। ठीक, अब मेरे को चाह रहा है कि मैं एड्रेस को और मोबाइल नंबर को और ऐप नेम को तीनों को एक साथ एक सेल में कर दूँ। जैसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मर्जन सेंटर पे गया, मर्जन सेंटर के बाद जाने के बाद देखो मर्ज सेल आ रहा है लिखा हुआ, मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो तीनों चीज एक साथ हो गई। यहाँ पे डाल देना, ठीक है, जो कुछ भी एक्सर आपको डालना, इसको हटाना है तो मर्जन सेंटर पे वापस गए, मर्जन सेंटर और अनमर्ज सेल। ठीक है, ये अनमर्ज हो जाएंगे दोबारा, इसको टेबल पर फॉर्मेट डाल दिया।
ये कब काम आएंगी, ये जब काम आएंगी। जैसे अपने पास दो मोबाइल नंबर है, क्या है अपने पास, दो मोबाइल नंबर है। एक नई वो सेट कर रहा हूँ मैं, ऐसे अपने पास दो मोबाइल नंबर है, दो मोबाइल नंबर है। इस सेल को मैं एक करके यहाँ मोबाइल नंबर कर सकता हूँ, दोनों एक करके मैं यहाँ ले सकता हूँ मोबाइल नंबर ओनली, मोबाइल नंबर। ये काम आ गया, दो सेलों को एक साथ जोड़ने का। अब सब सेलों को एक साथ जोड़ने के लिए मार्जिन सेंटर करते हैं, ये लोग पूरा एक साथ जुड़ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में आज अपन ने सीखा है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर। ठीक है, टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और बॉटम। इसके अंदर अपन ने देखा है कि इंक्रीमेंट, जैसे मेरी इंडेंट है, इसको इंडेंट को इंक्रीमेंट कैसे करेंगे और डिक्रीमेंट कैसे करेंगे। थोड़ा एक बार खिसकाना है इसको, थोड़ा सा ये देखो, तो थोड़ा देना है तो थोड़ा जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। फिर मैंने बताया कि एक लाइन के अंदर अगर अपनी लाइन ज़्यादा लंबी आ रही है, अपन सेल जो अपना सेल है उसकी लाइन ने बढ़ाकर, उसकी लेंथ ने बढ़ाकर उसकी विड्थ बढ़ानी है, तो रैप टेस्ट करेंगे और दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ने के लिए मर्ज सेल करेंगे। दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, मर्ज सेल। अगर दो सेलों को जोड़ना है तो मर्ज सेल कर देना है। ठीक, और उनको जोड़ के बीच में लाना है तो मर्ज एंड सेंटर कर देना है। तो आज अपने ये वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल कर देंगे और पढ़ देंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, थैंक यू वेरी मच।